हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रियास ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, कैसे जा रहा है आपका आज का दिन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा गोवा में कितना खर्चा हुआ और कम से कम खर्चे में हम किस तरीके से गोवा का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, अगर आप नॉर्थ साइड पे हैं तो भी, और अगर आप इस तरीके से महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपका खर्चा और ज्यादा कम होने वाला है। किस तरीके से कम होने वाला है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जब से मैं गोवा से वापस आई हूँ, बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी और उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पिंग करके पूछते हैं कि आपका गोवा में कितना खर्चा हुआ, हम भी जाना चाहते हैं तो हमें भी थोड़ा सा गाइड करें। गोवा पे हॉलीडेज पे जाते हैं हर 3 से 6 महीने में, तो हमारा कितना खर्चा आता है, क्या बजट रहता है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे मोटा खर्चा होता है ट्रैवलिंग और होटल का। तो कहाँ से हम होटल्स बुक करते हैं और ट्रैवलिंग का क्या हिसाब रहता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए, अगर आप पीक सीजन्स में जाते हैं, यानी कि अक्टूबर से आप मार्च के सीजन में अगर आप जाएंगे तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वहां पे सस्ते से सस्ते जो होटल्स आपको ऑफ सीजन में 500 रुपए में मिलेंगे, वही होटल्स आपको 2500 रुपए पे करने के बाद भी आपको नहीं मिलते हैं सीजन के टाइम पे, चाहे वहां पे लोग रहे या ना रहे। अमाउंट होता है वो 500-2500 से लेकर 10,000 तक और आगे भी ज्यादा बढ़ता रहता है, वो भी पीक सीजन में। हम पीक सीजन में भी जाते हैं, हम ऑफ सीजन में भी जाते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी वेकेशंस का मूड कब है, तो हम उस हिसाब से अपना प्लान करते हैं। मोस्टली जो मेरे होटल्स रहते हैं, हमारे फिक्स होटल्स हैं, अगर हम ऑफ सीजन में जाते हैं तो हम गोवा बीबो से हमेशा बुक करते हैं या मेक माई ट्रिप से बुक करते हैं। तो आप टिवागो से भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं ट्राई किया। हमने या तो मेक माई ट्रिप से प्लान किए हैं या फिर गोवा बीबो से। आप चाहे तो ओयो के भी होटल रूम्स देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा रिजनेबल होते हैं। आप चाहे तो सूट ले सकते हैं या आप चाहे तो एक अपार्टमेंट ले सकते हैं, अगर आप पूरी फैमिली जा रहे हैं तो वो भी काफी चीप पड़ते हैं। ओयो की अगर आप पूरा का पूरा फैमिली ही अपार्टमेंट परचेज कर लेते हैं। हम होटल्स पे थोड़ा कम रुकते हैं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि होटल कैसा है, एम्बियंस कैसा है। हाँ, रूम्स और वॉशरूम मुझे क्लीन चाहिए होते हैं, और इसके साथ साथ वहां पर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज हो जो कि नियर बाय मार्केट हो, कि कभी जरूरत पड़े तो हमें जाना पड़े तो ज्यादा डिफिकल्टी ना आए। हम अंजुना पे कलंगेट बीच पर या फिर हम बागा बीच के आसपास ही देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छे होटल्स मिल जाए। कुछ होटल्स के नाम मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं और जिनके रूम्स काफी अच्छे हैं। और कुछ एक होटल्स ऐसे हैं वहां पर जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उनके रिव्यूज गोवा बीबो पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब आप वहां जाकर रहते हैं तो उनका मुझे भी पर्सनली वो पसंद नहीं आते हैं। इस बार हम रुके थे वेगेंजा ग्रैंड इन में, इसका प्राइस जो था 3500 रुपीज पर नाइट रूम पड़ा था। रूम का टूर आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, मैंने अपने चैनल पे डाला था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर नहीं देखा तो आप देख लेना। उससे पहले हम सुप्रीम ग्रैंड होटल में रुकते थे, ये दोनों के दोनों कलंगट बीच के आसपास ही हैं, बागा बीच और कलंगट बीच पास में ही हैं, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। तो होटल सुप्रीम ग्रैंड और वेगेंजा ग्रैंड इन दोनों होटल्स एकदम सिमिलर है। जस्ट वेगेंजा ग्रैंड इन में आपको पूल मिल जाएगा और वो होटल सुप्रीम ग्रैंड में आपको पूल की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो बेटर ये है, मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो होटल वेगेंजा ग्रैंड इन में आप अगर ठहरेंगे तो आपके लिए पूल की फैसिलिटी और क्लीनिंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो जिस तरीके के रूम मैं पसंद करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं होटल में रुकना ज्यादा पसंद नहीं करते, हम सिर्फ नाइट स्टे करने के लिए या दोपहर का थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए हम वहां ठहरते हैं। हम ब्रेकफास्ट भी होटल के अंदर नहीं करते, तो इसलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा जो मोटा खर्चा होता है वो हमारा होटल्स में से सेव हो जाता है। तो 3500 रुपीस सीजन के अंदर पे करना मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है। तो अगर आप भी मेरी तरह इस तरीके से सोचते हैं तो आपके लिए होटल्स का रिकमेंडेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो नेक्स्ट आता है कि ट्रैवलिंग का खर्चा। ट्रैवलिंग में क्या होता है कि पर्सनली यहाँ से ओवरनाइट जर्नी रहती है बाय रोड, आप चाहे बस से जाएं या फिर आप अपनी पर्सनल कार से जाएं, 8 से 10 घंटे आपको लगते हैं। तो खुद से ड्राइव करके जाना रात के टाइम
मुझे थोड़ा सा डर लगता है, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे पहाड़ियों वाला इलाका है, तो मैं सेफ नहीं समझती। अगर मैं दिन में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती लॉन्ग जर्नी के लिए, तो हम रात में प्रेफर करते हैं स्लीपर्स बसेस का इस्तेमाल करते हैं, स्लीपर बसेस में जाते हैं। ये मेरा पर्सनली मतलब तो मुझे अच्छा लगता है रोड ट्रैवल में, और काफी कंफर्टेबल भी होता है। तो उसका जो खर्चा है वो 2500 रुपये पर पर्सन पड़ता है, और कई बार यही सेम बसेस जो होती हैं वो अगर ऑफ सीजन में आप जा रहे हैं तो 800-1000 रुपये में भी मिल जाती हैं। तो आप ये डिपेंड कीजिए कि आप सीजन में जा रहे हैं या ऑफ सीजन जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप ऑफ सीजन जा रहे हैं तो आपका खर्चा और ज्यादा कम हो जाता है। तो बसेस में अगर बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि बसेस जो है वो 3500 पर पर्सन ले रही है, तो आप सेमी स्लीपर में भी जा सकते हैं, उसका खर्चा 800 से 1200 में आ जाता है। नीता ट्रैवल्स में मैंने ट्रैवल किया हुआ है, आकाश में मैंने ट्रैवल किया हुआ है। ये बसेस जो है, ये जो दो बसेस होती हैं, ये मुझे पर्सनली ठीक लगती हैं। क्वीन में भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्वीन की बसेस भी अच्छी होती हैं। इनमें मैंने ट्रैवल किया हुआ है, तो इनका फीडबैक मैं दे सकती हूँ। अगर आप महाराष्ट्र में आते हैं तो आपको पता होगा इन बसेस के बारे में। अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे कि मेरे ब्रदर के लिए हुआ था। अगर आप ऑन सीजन जा रहे हैं, जैसे कि अभी हैं वो हमारे साथ, यहाँ पहले पुणे आए थे, फिर पुणे से हम लोग साथ में गोवा गए थे, तो उनका फ्लाइट का जो खर्चा है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। जैसे कि अभी सीजन का टाइम था, 26 जनवरी का टाइम था, तो अगर आप इमिजिएटली टिकट्स बुक कराते हैं 1 महीना या 20 दिन पहले, तो आपको टिकट्स जो है वो 10,000 या 8,000 रुपये पर पर्सन पड़ती है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और गोवा से डायरेक्ट दिल्ली की जो फ्लाइट है उसका टोटल खर्चा दो बंदों का 18,000 रुपये पड़ रहा था। तो इसलिए हमने क्या प्लान किया कि वो गोवा से हमारे साथ घर पर आए, और घर से यहाँ से पुणे से उनका खर्चा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, मतलब 10,000 रुपीज बोथ दो लोगों की फ्लाइट पड़ रही थी। अगर आप नॉर्थ साइड से ट्रैवल कर रहे हैं तो उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 3-4 महीने पहले प्लान करें, तो फ्लाइट टिकट्स जो है वो थोड़ी से सस्ती हो जाती हैं पहले से बुक करा के अगर आप रखते हैं तो। अगर आप लोगों के साथ बच्चे हैं तो आपको यहाँ पूना से गोवा की फ्लाइट जो है वो लेनी पड़ेगी। वो 2 घंटे का ट्रैवल रहता है, और उसकी टिकट दो लोगों की 10,000 रुपये पड़ती है। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फ्लाइट ही लें, क्योंकि बस और ट्रेन में ट्रैवल करना बच्चों के साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरी भाभी खुद ट्रैवल कर चुकी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दे सकती हूँ कि बस में और ट्रेन में ट्रैवल करना बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आप जो है ट्राई करें फ्लाइट से जाने का, थोड़ा सा बजट बढ़ा दे। 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे का खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम होता है, और 2 साल से 1 साल से ऊपर के बच्चे का पूरा फुल टिकट लगता है। तो ये मत सोचे कि मेरा बच्चा छोटा है, गोद में रहता है, तो उसका टिकट नहीं लगेगा, उसका भी टिकट लगेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब होटल भी हम वहां पहुंच भी गए, होटल भी बुक हो गया, अब क्या? अब जब हम यहाँ से वहां पहुंचते हैं, हम बस से जाते हैं तो हम डायरेक्टली मापसा उतरते हैं। मापसा उतरने से क्या होता है कि ये नॉर्थ गोवा में पड़ता है, तो हमारा जो एयरपोर्ट है वो साउथ गोवा में पड़ता है। तो वहां से नॉर्थ गोवा आने का थोड़ा सा खर्चा जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम डायरेक्टली मापसा उतरते हैं, जो कि नॉर्थ गोवा में है। मापसा में उतरते ही सुबह हमारी 6 बजे या 6:30 बजे के करीब हमें बस मापसा गोवा में उतार देती है। तो हम वहां पर जो रेंटेड कैब्स वगैरह होती हैं, या रेंटेड आपको स्कूटी या कार हायर करनी है, वो 7 बजे शुरू होता है। आप चाहे तो डायरेक्टली जाकर होटल में रुक सकते हैं, तो होटल में जाएंगे आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 बजे से पहले होटल भी रूम भी नहीं मिलता है, अगर आप एक दिन पहले की बुकिंग नहीं कराते हैं तो। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है, क्योंकि आप उस हिसाब से अपने होटल रूम के हिसाब से आप अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरह मापसा पे उतर रहे हैं, या सुबह 6 बजे की है और आपका होटल का बुकिंग भी नहीं है, तो हम एक दिन पहले की बुकिंग करवा के रखते हैं, तो एक दिन का हमारा खर्चा वहां पे बढ़ जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो कुछ एक नंबर मेरे पास है, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो हम डायरेक्टली उन्हें एक रात पहले ही कॉल करके जाते हैं कि हमें 2 स्कूटीज चाहिए या 3 स्कूटीज चाहिए, आप अरेंज करके रखें। तो वो अरेंज करके रखते हैं, और वो सुबह 6:30 बजे वहां पर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनके न्यूज़पेपर की शॉप है, तो वो आपको इजली कार या फिर स्कूटीज बुक करवा देते हैं। स्कूटी का खर्चा जो है वो 300 से 500 रुपए के बीच में आता है, डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में जा रहे हैं। इस बार हमें स्कूटी जो है वो 500 रुपए की पड़ी थी, क्योंकि 26 जनवरी का
महीना दिन था, छुट्टी का दिन था, तो ऑब्वियसली छुट्टियों के टाइम पे, वीकेंड के टाइम पे इनका रेट बढ़ जाता है। और अगर आप वीकडेज में जाते हैं तो वही स्कूटी 300 रुपए में आपको मिल जाती है। तो ये जस्ट आपको बार्गेन करनी पड़ती है। अगर आप कार हायर करते हैं तो कार के जो चार्जेस हैं वो 1500 रुपए से स्टार्टिंग होती है। 1000 से 1500 रुपए में आपको अच्छी कार रेंट पे मिल जाती है। लेकिन आपको पेट्रोल, स्कूटी हो या कार हो, दोनों में आपको खुद डलवाना पड़ता है। वहां पे पेट्रोल के जो चार्जेस है वो बहुत कम है, तो आप आराम से 300-400 रुपए का अगर पेट्रोल डलवाते हैं तो 3 दिन आप बहुत आराम से घूम सकते हैं। अब स्कूटी भी बुक हो गई, हम सारे बीचेस पे भी घूम आए। गूगल मैप का थोड़ा सा ध्यान रखें, गूगल मैप आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपको कहाँ पर घूमने जाना है। अगर आप नॉर्थ साइड पर जा रहे हैं तो मेन मेन बीचेस आप अंजुना बीच जा सकते हैं, बागा बीच जा सकते हैं, कलंगुट, केंडुलम, सिंक्वेरियम, अगोड़ा फोर्ट, और इसके साथ साथ आप जो है लाइट हाउस देख सकते हैं। ये नॉर्थ साइड की है। उसके बाद आप पंजिम घूम सकते हैं, पंजिम की मार्केट घूम सकते हैं, वास्को डिगामा मार्केट घूम सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ओल्ड गोवा चर्च जा सकते हैं जो कि पंजिम में है, और वहाँ की पंजिम की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कुछ एरियाज थे नॉर्थ गोवा के अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और साउथ गोवा अगर आप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा शांति का प्लेस है। वहां पर भी आपको बीचेस ही देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं होते हैं। दिन में आप ट्रैवल घूम सकते हैं, लेकिन वहां पे शॉपिंग के लिए कोई भी मार्केट नहीं है। अगर आप रिलैक्स होने जा रहे हैं तो आप वहां पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। वहां पर अगर आप सी व्यू होटल्स देखना चाहते हैं तो आप लुंगिदा बीच देख सकते हैं। वहां पे डायरेक्ट रूम से आपको सी व्यू दिखता है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो 5000 से 7000 रुपए पर नाइट रूम लेते हैं अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं, और अगर आप सीजन में जाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं साउथ गोवा में अगर आप जाना चाहते हैं। नेक्स्ट खर्चा आता है वाटर स्पोर्ट्स का। अगर आप गोवा जा रहे हैं, सिर्फ घूमने जा रहे हैं तो वाटर स्पोर्ट नहीं किए, वो भी सीजन के टाइम पे, तो आपको क्या मजा आया। मुझे बहुत, इस बार मैंने वाटर स्पोर्ट्स किए थे क्योंकि मैं इतनी बार गई थी, मैंने किए नहीं थे, लेकिन मुझे कुछ हैपनिंग करना था। उसमें भी बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। हमने पैराग्लाइडिंग किया था और उसका 1400 रुपीज पर पर्सन का चार्ज पड़ा था। तो हम 4 लोगों ने किया था, 1400 पर पर्सन चार्ज दिया था। इसके साथ बनाना राइड होती है, बनाना राइड में वो लोग 800 रुपीज पर पर्सन लेते हैं। और अगर आप फुल पैकेज वाटर स्पोर्ट्स का लेते हैं तो वो 4500 रुपीज पर पर्सन रहता है। तो आप वहां जाकर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या रेट चल रहा है उस टाइम पे। इसके अलावा गोवा में घूमने के लिए दूध सागर है। दूध सागर क्या है, अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है तो जहां पर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पुल पे चेन खींचकर जो है ट्रेन को रोकते हैं, और जहां पर दीपिका पादुकोण के फादर जो डोन होते हैं वो उन्हें रिसीव करने आते हैं, वो एग्जैक्टली वही प्लेस है। पीछे जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं वो दूध सागर है, बहुत ब्यूटीफुल है देखने के लिए। हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वहां पर टिकट्स अवेलेबल नहीं थी और हमें इतना आइडिया नहीं था किस तरीके से जाना है। बहुत सारे लोग, इस टाइम सीजन था, शायद आप अगर वहां जाते भी तो भी वहां पर आपका नंबर नहीं आता, पूरा दिन निकल जाता है। आपको सुबह 4 बजे कैब करके निकलना होता है। कैब इन द सेंस, अगर आपके पास कार है तो आप सब मिलकर जा सकते हैं ग्रुप में अगर आप हैं तो। लेकिन जिस तरीके से हम लोग गए थे, हमें कार नहीं हायर की थी, हमने स्कूटी हायर की थी, तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो कार का जो खर्चा है वो 4500 रुपीज, अगर आप कैब बुक करते हैं तो 4500 रुपीज वो पर डे लेता है सुबह से शाम तक का। और वहां जाने के बाद टिकट्स वगैरह ऑनलाइन आपको बुक करनी पड़ती हैं, और वहां पे आपको खाने वाने का थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है वहाँ खाने के लिए। और ये भी है, लाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है। हम, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहां पर गए हैं लेकिन उनका आज तक कभी नंबर नहीं आया है। वो 2 बार होकर आए हैं, दोनों बार सुबह जाते हैं, शाम तक वेट करते हैं, नंबर नहीं आता, वापस आना पड़ता है क्योंकि जो कैब ड्राइवर है उसको ज्यादा पैसे नहीं दिया। 4500 रुपीज पर डे लेता है। अगर आप 2 दिन रुकते हैं वहां पर तो और कॉस्टली हो जाता है, वहां रुकने का भी कोई भी जगह नहीं है। तो ये था एक छोटा सा दूध सागर के बारे में। थोड़ा सा आप रिसर्च करके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं भी कभी वहां पर नहीं गई हूं। तो ये थे मोटे मोटे खर्चे। हमारा जो खर्चा है वो 10,000 रुपये पर पर्सन खर्चा पड़ा था।
जो गोवा ट्रिप का रहा है, इन शॉर्ट रहा 40 से 50 हज़ार, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो और कॉस्टली हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा खर्चा जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मेरा जो है वो 10,000 पर पर्सन खर्चा बढ़ा था। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अनुप्रयास ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।